हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सिरेटी फिजियो। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल एंड दिस चैनल इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू फिजियोथेरेपी। यहाँ पर फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हर एक टॉपिक्स के बारे में, हर एक सिलेबस के बारे में डिस्कशन होगा, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो। वो फार्मा का टॉपिक हो सकता है, वो एक्सरसाइज इलेक्ट्रो का टॉपिक हो, या पीटी ऑर्थो, पीटी न्यूरो, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो साइकेट्री, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, यहाँ पर हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन होगा वन बाय वन। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद फार्माकोलॉजी, और आने वाले एक दो दिनों के बाद एक वीडियो नया अपलोड होगा जिसमें वी विल स्टार्ट विथ वन अनदर सब्जेक्ट। वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में से एक्सरसाइज थेरेपी या फिर इलेक्ट्रो थेरेपी, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है जो हम स्टार्ट करेंगे आने वाले एक दो दिनों के बाद। तो कमेंट में बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट हमें स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विथ फार्माकोलॉजी। क्लियर। तो फार्माकोलॉजी में जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है सिडेटिव हिप्नोटिक्स। सिडेटिव हिप्नोटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसे एक वीडियो में कवर कर पाना नामुमकिन है। तो ये इस सेडेटिव हिप्नोटिक्स का पहला पार्ट है जिसमें वी विल डिस्कस बेसिकली अबाउट व्हाट इज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ये क्या होता है, इसका क्या जरूरत पड़ता है हमारे बॉडी के अंदर। और उसके बाद जो स्लीप साइकिल है, स्लीप साइकिल के कितने स्टेजेस होते हैं, एंड देन व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक्स, कितने क्लासिफिकेशन है सेडेटिव हिप्नोटिक्स के, और उन सारे ग्रुप्स के अंदर कौन कौन सा ड्रग अवेलेबल है, इन सारे चीजों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ फार्मा वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, जो भी ड्रग्स के ग्रुप हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं हमारे बॉडी पर, वो देखेंगे अगले लेक्चर में। क्लियर। तो आज का ये जो लेक्चर है, आज बस इंट्रोडक्टरी लेक्चर है सेडेटिव हिप्नोटिक्स का। तो देखते हैं कि सबसे पहले बात करेगा कि सेडेटिव क्या होता है। सेडेटिव्स, तो सेडेटिव्स एक ऐसा ड्रग है जो कि हमारे बॉडी के अंदर, जो कि हमारे बॉडी के अंदर कामनेस प्रोवाइड करता है और एक्साइटमेंट को रिड्यूस करता है। ये क्या करता है, प्रोवाइड कामनेस एंड रिड्यूसेस एक्साइटमेंट। ठीक है, सिडेटिव कामनेस को प्रोवाइड करता है और एक्साइटमेंट रिड्यूस करता है। क्लियर। इसके बाद हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स का क्या एक्शन है, ये क्या करता है। हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स भी सिडेटिव वाला काम करता है, हिप्नोटिक्स भी कामनेस प्रोवाइड करेगा पेशेंट को, ये भी एक्साइटमेंट को रिड्यूस करेगा, पर इसके साथ साथ ये एक तीसरा काम भी करता है, ये स्लीप को भी इंड्यूस करता है। तो पहला क्या करेगा, इट ऑल्सो प्रोवाइड कामनेस रिड्यूस एक्साइटमेंट एंड इट इंड्यूसेस स्लीप, ये स्लीप को भी इंड्यूस करता है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो सिडेटिव है, सिडेटिव कभी भी स्लीप को इंड्यूस नहीं करता है, डोंट इंड्यूस स्लीप, ये कभी भी स्लीप को इंड्यूस नहीं करता है, पर हिप्नोटिक्स स्लीप को भी इंड्यूस करता है। सिडेटिव और हिप्नोटिक्स में बस फर्क इतना ही का है कि अगर हम सिडेटिव्स को हाइयर डोज में देते हैं तो वो एज अ हिप्नोटिक्स एक्ट करता है। अब यहाँ पे एक बात फिर आता है कि हिप्नोटिक्स है, इस हिप्नोटिक्स को अगेन फिर हम और ज्यादा हाइयर डोज में दें तो वो जनरल एनेस्थीसिया भी प्रोड्यूस कर सकता है पेशेंट के बॉडी के अंदर। क्लियर। तो हिप्नोटिक्स एट लोअर डोज कैन एक्ट एज सीडेटिव, हिप्नोटिक्स जो है इसे हम लोअर डोज पे दे तो वो सीडेटिव्स की तरह एक्ट कर सकता है, और अगर इसे हम हाइयर डोज पे दे, हिप्नोटिक्स एट हाइयर डोज कैन प्रोड्यूस जनरल एनेस्थीसिया। अगर इसी हिप्नोटिक्स को हम हाइयर डोज पे देते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर जनरल एनेस्थीसिया भी प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर। जो इंसोमनिया का केस होता है, आप सभी ने सुना होगा इंसोमनिया, इंसोमनिया
इंसोमिया में क्या होता है, बेसिकली पेशेंट को नींद नहीं आता है, लैक ऑफ स्लीप को इंसोमिया कहते हैं। तो इंसोमिया का जो कंडीशन होता है, इंसोमिया में भी दो अलग अलग केस होता है, एक प्राइमरी इंसोमिया होता है, एक सेकेंडरी इंसोमिया होता है। तो जो सेकेंडरी इंसोमिया होता है उसमें हम हिप्नोटिक्स का यूज करते हैं, बिकॉज सोना ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, स्लीप साइकिल मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हिप्नोटिक्स क्या करता है, हिप्नोटिक्स स्लीप साइकिल को ही मेंटेन करके रखता है। इसलिए इंसोमिया के पेशेंट्स के अंदर हम हिप्नोटिक्स का यूज करते हैं, बिकॉज ये स्लीप को इंड्यूस कर रहा है और हमें इंसोमिया के पेशेंट के अंदर स्लीप साइकिल को मेंटेन करना है, तो वहां पर हिप्नोटिक्स का यूज आता है। क्लियर। अब आगे चलते हैं स्लीप साइकिल के बारे में कि स्लीप का क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप, पूरे के पूरे स्लीप साइकिल को हम, एक बार जो बंदा सोता है उसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है एनआरईएम एंड सेकेंड वन इज आरईएम। क्लियर। ये क्या होता है, एनआरईएम मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और आरईएम है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, इसके अगेन फाइव स्टेजेस होते हैं, इसके फाइव स्टेजेस होते हैं, और आरईएम स्लीप का कोई स्टेज अलग नहीं होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के पांच जो स्टेज हैं, इन पांचों स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। पहले स्टेजेस ऑफ नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, सबसे पहला आता है हमारा स्टेज जीरो, फर्स्ट स्टेज स्टेज जीरो। स्टेज जीरो में कुछ भी खास नहीं है। स्टेज जीरो क्या है कि आप सोने के लिए बेड पर लेटें, आप सोने के लिए बेड पर लेट रहे हैं, उस समय से लेकर आपको नींद आने लगा। ठीक है, फ्रॉम लाइंग डाउन टू फॉलिंग अस्लीप, आप लेटे बेड पर वहां से सोने तक, आपको नींद आने तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका स्टेज जीरो कहलाता है। बेसिकली फ्रॉम लाइंग डाउन ऑन बेड टू फीलिंग स्लीपी, मतलब कि बेड पर लेटने से लेकर आपको नींद आया, ये जो दौरान है, ये जो ड्यूरेशन है, इसे हम स्टेज जीरो के अंदर रखते हैं, और ये टोटल स्लीप टाइम का 1 से 2% ही होता है। जो भी टोटल स्लीप टाइम है उसका 1 से 2% आपका स्टेज जीरो होता है। स्टेज जीरो के बाद अगला हमारा है स्टेज वन। स्टेज वन में क्या होता है, स्टेज वन में आप सो चुके होते हैं, आपको नींद आ चुका होता है। यहाँ पे आई मूवमेंट जो है, आंख का जो मूवमेंट है वो डिक्रीज होना शुरू होता है, आई का मूवमेंट डिक्रीज होना शुरू होता है, बॉडी का मसल रिलैक्स हो जाता है, और ये जो है ये टोटल 5 से 10% होता है टोटल स्लीप टाइम का, 5 to 10% ऑफ स्लीप टाइम। क्लियर। तो स्टेज जीरो में क्या था, फ्रॉम लाइंग डाउन आप बेड पर गए, उस समय से आपको नींद आना शुरू हुआ, इसके बीच का जो ड्यूरेशन है ये आपका स्टेज जीरो है, ये टोटल 1 to 2% होता है टोटल स्लीप टाइम का। स्टेज वन के बारे में बात करें तो इसमें आप सो चुके होते हैं, आपको नींद आ चुका होता है, और यहाँ पर आपका आई मूवमेंट जो है वो डिक्रीज होना शुरू होता है, आपका आई बॉल का जो मूवमेंट है वो डिक्रीज होना शुरू होता है, इसमें बॉडी का जो मसल है वो रिलैक्स हो जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, इमेजिन कीजिए आप कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप लेटे हुए हैं, फोन यूज कर रहे हैं, फोन यूज करते करते आपको नींद आता है, आपको फोन हाथ से छूट जाता है। वो फोन आपके हाथ से क्यों छूटता है, बिकॉज आप स्टेज वन में हैं, स्लीप साइकिल के स्टेज वन में होते हैं, और स्टेज वन में आने के बाद मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है बॉडी का, और मसल रिलैक्स होगा तो आप किसी भी चीज को होल्ड नहीं कर पाएंगे, दैट्स वाई ऐसे कंडीशन में आपका फोन गिर जाता है। क्लियर। तो बॉडी का मसल रिलैक्स हो जाता है, और ये टोटल 5 से 10% टाइम होता है स्टेज वन,
टोटल स्लीप टाइम का, यानी कि जो भी टोटल स्लीप टाइम है उसका 5 से 10% स्टेज वन होता है। क्लियर। अब अगला हमारा है स्टेज टू। नेक्स्ट इज स्टेज टू। स्टेज टू, स्टेज टू में आई मूवमेंट और डिक्रीज हो जाता है, बहुत थोड़ा थोड़ा आई का मूवमेंट होता है, एकदम लिटिल लिटिल आई का मूवमेंट होता है, लिटिल आई मूवमेंट। पर्सन मे बी अराउजेबल, यानी कि जो बंदा सोया हुआ है वो हल्का सा, अगर हम कुछ स्टिमुलस दें, अगर उसे आसपास कुछ भी शोर हो, कुछ बर्तन गिर जाए, कुछ भी ऐसा हो, तो वो नींद से जग सकता है। ठीक है, वो उठ सकता है, उसका स्लीप डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेज टू है। ये लगभग आई थिंक 50% ऑफ द स्लीप टाइम है, टोटल स्लीप टाइम का 50% स्टेज टू होता है। नाउ स्टेज टू के बाद अगला हमारा है स्टेज थ्री। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज फोर आता है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। स्टेज थ्री, स्टेज थ्री में बेसिकली क्या होता है कि इसे हम डीपर स्लीप कहते हैं, इसमें डीपर स्लीप होता है। ये मुश्किल से 5 से 8% ऑफ द टोटल स्लीप टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पर या तो लेकिन ना के बराबर या बहुत कम आई मूवमेंट होगा, या तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं तो होगा भी तो बहुत कम आई मूवमेंट होगा, और यहाँ पर पर्सन को जल्दी से उठाया नहीं जा सकता है इस स्टेज में जाने के बाद। ये आप गहरा नींद जो कहते हैं ना कि बहुत गहरे नींद में सो रहा था, वो स्टेज थ्री होता है। क्लियर। यहाँ पे अगर छोटा मोटा कुछ स्टिमुलस दे, अगर ठीक है, तो उससे छोटा छोटे मोटे स्टिमुलस से जो बंदा सो रहा है उसे आप नहीं जगा सकते हैं, ये स्टेज थ्री हुआ। स्टेज थ्री के बाद अगला आता है, ये लास्ट है स्टेज फोर। स्टेज फोर, स्टेज फोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज द डीपेस्ट लेवल ऑफ स्लीप, डीपेस्ट लेवल ऑफ स्लीप। क्लियर। इस स्टेज के अंदर मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाता है, और क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन यहाँ पे हाई हो जाता है। इसके बाद कोई भी आई मूवमेंट नहीं होता है, नो आई मूवमेंट, आई मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पे, मसल भी फुल्ली रिलैक्स होता है, मसल यहाँ पे कंप्लीटली रिलैक्स्ड होता है। और क्या होता है इस दौरान, स्टेज फोर के दौरान, अगर हम बंदे को, जो भी बंदा सो रहा है, अगर स्टेज फोर में उसे जगा देते हैं जबरदस्ती, ठीक है, तो वो ना लगभग 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल कंफ्यूज रहेगा, उसे समझ में नहीं आएगा क्या बोलना है, क्या करना है, उसके साथ क्या हुआ है, उसे उसे समझ नहीं आएगा, बिकॉज उसका माइंड डीपेस्ट स्लीप में था, वो बिल्कुल डीपेस्ट स्लीप में था, जहां पर उसका मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल लो था, कोई भी आई मूवमेंट नहीं हो रहा था, कुछ भी मसल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं था, फुल्ली रिलैक्स्ड मसल था। तो इस स्टेज में, स्टेज फोर में अगर किसी बंदे को उठाते हैं तो वो डिसोरियंटेशन शो करता है 2-3 मिनट के लिए, यानी कि वो बिल्कुल कंफ्यूज रहेगा कुछ मिनट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिसओरिएंटेशन, अगर जगाया गया, सॉरी, इफ द पर्सन इज अवेकेंड तो क्या होगा, डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन यानी कि जो पेशेंट है, जो बंदा है, वो फुल्ली कंफ्यूज्ड रहेगा, फुल्ली कंफ्यूज्ड रहेगा, उसे समझ में नहीं आएगा क्या बोलना है, क्या करना है, क्या हुआ है उसके साथ। उसे 1-2 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद ही विल बैक टू नॉर्मल, उसके बाद उसे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सॉरी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का जो 5 स्टेजेस था, ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट है, इसका जो इसका 5 स्टेज है, स्टेज 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये हमारा 5 स्टेज कंप्लीट हुआ नॉन रैपिड आई मूवमेंट का। अब हमारा अगला क्या था, अगला था रैपिड आई मूवमेंट, नेक्स्ट वन वाज रैपिड
आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट है ना, इसे हम पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नोन एज पैराडॉक्सिकल स्लीप। इसे हम पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं। इस स्टेज में और क्या होता है? इसी स्टेज में हम बेसिकली ड्रीमिंग करते हैं। सपना जो भी हम देखते हैं वो सपना हम रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में ही देखते हैं। नॉन रैपिड आई मूवमेंट के स्टेज में हम सपना नहीं देखते हैं, ड्रीमिंग्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ड्रीमिंग एंड नाइटमेयर्स। ठीक है, इस स्टेज के अंदर हम सपना देखते हैं और वो जो सपना है वो बाद में रिकॉल भी किया जा सकता है। इट कैन बी रिकॉल्ड लेटर। जो हम बताते नहीं घर में, अगर सो के उठे हैं बताते हैं कि अरे आज मैंने ये सपना देखा, रात में मेरे साथ ये हो रहा था, मैंने ये देखा, तो वो रैपिड आई मूवमेंट के स्टेज में ही होता है और इसे हम रिकॉल कर सकते हैं। कैन बी रिकॉल्ड, पर पूरा याद नहीं रहता है, पूरा रिकॉल नहीं हो पाता है, पर उसका कुछ परसेंट हमें याद रह जाता है ड्रीमिंग का। ठीक है, इसके बाद इस स्टेज में और क्या होता है? तो यहाँ पे ब्रीदिंग और ब्रेन का जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाता है। ब्रीदिंग एंड ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीजेस, ब्रीदिंग और ब्रेन का एक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे हार्ट रेट और बीपी भी फ्लक्चुएट करता है, जनरली हाई ही होता है, लो नहीं होता है। हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट्स, यहाँ पर भी फ्लक्चुएट करता है, जनरली हाई ही होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं जनरली हाई, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों जनरली हाई हो जाता है इस स्टेज में। जो भी वॉलेंट्री मसल है वो वॉलेंट्री मसल कंप्लीटली रिलैक्स्ड होता है। वॉलेंट्री मसल कंप्लीटली रिलैक्स्ड होता है। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल केस देखने को मिलता है कि मेल्स के केस में इसी स्टेज में स्लीपिंग के दौरान कभी कभी इजैकुलेशन देखने को मिलता है, जिसे हम हिंदी में स्वप्न दोष कहते हैं। ठीक है, और इरेक्शन भी देखने को मिल सकता है, इरेक्शन एंड इजैकुलेशन। ठीक है, वो इसी स्टेज में होता है। जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट का 5 स्टेज हमने डिस्कस किया था उसमें ये सब नहीं होता है, वो रैपिड आई मूवमेंट के ही स्टेज में होता है। क्लियर? तो ये हमारा स्लीप साइकिल हुआ टोटल, इसमें हमने दो मेन क्लासिफाई किया पूरे स्लीप साइकिल को। पहला रैपिड आई मूवमेंट, दूसरा नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट का जो क्लासिफिकेशन था उसमें अगेन 5 स्टेजेस थे हमारे पास, और ये रहा हमारा रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्लीप साइकिल। अब इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशंस के बारे में कि जो सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स है इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहला हमारे पास है बेंजोडाइजेपाइन्स। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला ग्रुप है बेंजो डाइजेपाइन्स, बेंजोडाइजेपाइन्स। बेंजोडाइजेपाइन्स में अगेन हिप्नोटिक्स के बारे में अगर बात करें तो हिप्नोटिक्स में कौन कौन सा ड्रग यहां पर आ सकता है? हिप्नोटिक्स में हमारे पास है डायजेपम है, फ्लुराजेपम है, नाइट्राजेपम है, और हमारे पास अल्प्राजोलम है। अब सिर्फ यही चार नहीं, और भी बहुत सारा है, मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पर कुछ जो कॉमन यूज करे जाने वाले ड्रग्स हैं वही बताए हैं मैंने। ठीक है, ये तो हमारा हमारा हिप्नोटिक्स हुआ। इसके बाद एंटी एंजाइटी ड्रग्स आता है इसमें, एंटी एंजाइटी। एंटी एंजाइटी में क्या आएगा? एंटी एंजाइटी में सबसे पहला अगेन हमारे पास है डायजेपम, देन फिर वी हैव ऑक्साजेपम,
देन लोराजेपम एंड अल्प्राजेपम। क्लियर। एंटी एंग्जाइटी के बाद हमारा एंटी कन्वल्जेंट आता है। एंटी कन्वल्जेंट हमें यहाँ नहीं स्टडी करना है, एंटी कन्वल्जेंट आगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। एंटी एंग्जाइटी भी आगे आने वाले अलग अलग दूसरे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हमें बस ये हिप्नोटिक्स डिस्कस करना है और सिडेटिव्स के बारे में डिस्कशन करना है। एंटी कन्वल्जेंट, एंटी कन्वल्जेंट में क्या होगा? क्लोनाजेपम, क्लोबाजेम, क्लोबाजेम, डायजेपम एंड लोराजेपम। क्लियर। अब हिप्नोटिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो फिर अगेन इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। तो वो हम जब बेसिकली जब अलग अलग ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे तब वहां पर इसे देखेंगे। एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि हिप्नोटिक्स है, हिप्नोटिक्स का एंटागोनिस्ट एक ड्रग होता है, उसका नाम है फ्लुमाजेनिल। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, फ्लुमाजेनिल। ये क्या है? इट इज द एंटागोनिस्ट ऑफ हिप्नोटिक्स। एंटागोनिस्ट यानी कि एंटागोनिस्ट कहने का मतलब कि हिप्नोटिक्स के रिवर्स में ये काम करता है एंटागोनिस्ट, इसलिए इसे एंटागोनिस्ट कहते हैं, फ्लुमाजेनिल। क्लियर। ये हमारा बेंजोडाइजेपाइन्स हुआ। इसके बाद हमारा जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है, सेकेंड हमारा ग्रुप है बारबिट्यूरेट्स। बारबिट्यूरेट्स, बारबिट्यूरेट्स के अंदर पहला है हमारा है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, दूसरा है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, तीसरा है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग अर्थात कि ऐसा ड्रग जो कि काफी लंबे समय तक जिसका असर हमारे बॉडी पर है, पेशेंट के बॉडी पर है, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग मतलब कि कम समय के लिए रहेगा, अल्ट्रा शॉर्ट काफी कम समय के लिए उसका एक्शन रहेगा पेशेंट के बॉडी पर, ठीक है। तो लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास है फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास दो है, ब्यूटो बार्बिटोन एंड पहले ब्यूटो बार्बिटोन, इसके अलावा हमारे पास है पेंटो बार्बिटोन, पेंटो बार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग यहां पे इसमें हमारे पास थियोपेंटीन है, थियोपेंटोन एंड मीथोएक्सीटोन, मीथो हेक्सीटोन। क्लियर। ये हमारा बारबिट्यूरेट्स का क्लासिफिकेशन है। पहला बेंजोडाइजेपाइन्स हुआ, दूसरा बारबिट्यूरेट्स हुआ और तीसरा हमारे पास है नॉन बेंजोडाइजेपाइन्स। एक्चुअली इसे दूसरे पर रखना चाहिए था पर कोई नहीं, चलता है। नॉन बेंजोडाइजेपाइन्स, नॉन बेंजो डायजेपाइन्स। नॉन बेंजोडाइजेपाइन्स में कौन कौन सा ड्रग हमारे पास अवेलेबल है? तो यहाँ पे इसमें हमारे पास है जोपीक्लोन, जोपीक्लोन है, इस जोपीक्लोन है, इसके बाद जुलपीडेम है, जेलपिलोन है एंड इटीजोलम है। क्लियर। ये हमारा नॉन बेंजोडाइजेपाइन्स का ग्रुप के अंदर ये सारे ड्रग्स आते हैं। क्लियर। तो ये सब कुछ ऐसा ड्रग है जो कि हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव्स के अंदर आता है। अब यहाँ पर जो मैंने पहला बताया था बेंजोडाइजेपाइन्स, इसमें जो हिप्नोटिक्स के अलावा यहाँ पर एंटी एंग्जाइटी भी है, एंटी कन्वर्जेंट भी है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बेंजोडाइजेपाइन्स जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर हिप्नोटिक्स के भी ड्रग आते हैं, एंटी एंग्जाइटी के भी ड्रग आते हैं, एंटी कन्वर्जेंट भी आते हैं, पर यहाँ पर हम बस हिप्नोटिक्स सिडेटिव्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंटी एंग्जाइटी का हमारा अलग चैप्टर है, एंटी कन्वर्जेंट का हम इपिलेप्सी के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा मेन फोकस रहेगा हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव्स पर ही।
इस ग्रुप के अंदर ये सारे ड्रग्स आते हैं, इसलिए मैंने ये बताया है। तो आई होप ये वीडियो आज का आपको समझ आया हो। इसमें जो भी मैंने बताया है, बेसिक इंट्रोडक्शन, स्लीप साइकिल और क्लासिफिकेशन, ये तीन टॉपिक आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। अगर कोई भी डाउट है तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं हमें, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं सारे डाउट्स को क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। क्लियर। अब अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, फार्मा का जो अगला पार्ट आएगा उसमें वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। वो किस तरह से एक्ट करता है, कौन से रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करता है, कैसे कैसे उसका मैकेनिज्म है, इन इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगले 2-3 दिनों के बाद एक नया वीडियो अपलोड होगा, वो एक्सरसाइज थेरेपी का हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी का हो सकता है। तो इन दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूँ कमेंट में बताइएगा, ठीक है, मैं वही स्टार्ट करूंगा। क्लियर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।